10 दिनों के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार राजस्थान में नए सीएम को लेकर सस्पेंस खत्म हो गया है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की तरह राजस्थान में भी बीजेपी आलाकमान के फैसले ने भी सबको चौंका दिया है। पार्टी ने पहली बार विधायक बने भजन लाल शर्मा को राजस्थान के नए मुख्यमंत्री पद के लिए चुना है। यही नहीं, पार्टी ने यहाँ भी एक मुख्यमंत्री और दो उप मुख्यमंत्री का फॉर्मूला अपनाया है। मुख्यमंत्री पद के लिए सांगानेर विधायक भजन लाल शर्मा के नाम का ऐलान हुआ तो वही पार्टी ने दिया कुमारी और प्रेमचंद बेरवा को डिप्टी सीएम की जिम्मेदारी सौंपी है, जिसका ऐलान जयपुर बीजेपी ऑफिस में विधायक दल की बैठक के दौरान किया गया। वहीं विधायक वासुदेव देवनानी को राजस्थान विधानसभा का स्पीकर बनाया गया है। आपको बता दें कि विधायक दल की बैठक से पहले राजस्थान पहुंचे केंद्रीय पर्यवेक्षकों ने प्रदेश के वरिष्ठ भाजपा नेताओं से बातचीत कर उनकी राय जानी थी। इसके अलावा पर्यवेक्षक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विनोद तावड़े और सरोज पांडे ने पूर्व सीएम वसुंधरा राजे से भी बातचीत की थी। आपको बता दें कि राजस्थान में बीजेपी ने 199 सीटों में से 115 पर जीत हासिल की है। राजस्थान का रण जीतने के बाद भाजपा के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि सीएम किसे चुना जाए। इस जीत के बाद ही यहां सीएम को लेकर तमाम कयास लगाए जा रहे थे। इस रेस में कई नाम चल रहे थे। लिस्ट में सबसे पहला नाम वसुंधरा राजे का चल रहा था, वो पहले भी राजस्थान की कमान संभाल चुकी है। इसके अलावा बाबा बालक नाथ के नाम पर भी कई चर्चा चल रही थी। वही गजेंद्र शेखावत, सीपी जोशी और राजवर्धन राठौड़ जैसे नाम भी रेस में शामिल थे, लेकिन भजन लाल शर्मा के नाम के ऐलान के साथ सीएम पद की ये रेस थम गई है।